ਧਰਮਨੀਕ मैं ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ जो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ है ना। अच्छा मम्मी ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਇਹ ਵਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਰਮਨੀਕ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। नहीं ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤ ਨਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। रमनीक मैं अनमैरिड कुड़ी नहीं हाँ मैं तो एक विधवा विधवा। नाले पुत्र ये व्याहियां होइयां रख दिया ने मैं किद्दां रख सकदी हां? पर मम्मा रमनीक नहीं नहीं मैं नहीं रख सकदी आ वर्त। मम्मा तुसी मेरी गल ते सुनो तुसी तो मेरे फ्रेंड हो ना मम्मा ते एज अ फ्रेंड ही मैनू कंपनी दे दो। मम्मा फ्रेंडशिप डे भी आने वाला है अगले हफ्ते तो तुसी अपनी फ्रेंड नाल इदां करोगे? फ्रेंडशिप डे ये की हुंदा है रमनीक? मम्मा तुहानू फ्रेंडशिप डे दा नहीं पता। फ्रेंडशिप डे ना फ्रेंड्स दा दिन हुंदा है उस दिन एक फ्रेंड दूजे फ्रेंड नू ना फ्रेंडशिप बैंड बंदे ने। मैं दिखावा तुहानू आ देखो। रमनीक ऐदा दे बैंड ते मैं बचपन च बहुत बनांदी सी। तुहानू ये बनाना आंदा है? हां जे तन्नू तेरी फ्रेंड वास्ते चाहिदा होएगा ना तू मैनू दस दे मैं तेरे लिए भी बना दांगी। पर मेरा फ्रेंड तो मेरी गल ही नहीं मानता। केड़ी? तुसी होर कौन? मम्मा प्लीज मेरे लिए ये वर्त रख लो प्लीज। पर रमनीक मम्मा देखो तियां दा त्योहार माता रानी दा वर्त हुंदा है ना। माता रानी दा वर्त तो तुसी उदां भी रखदे हो ते कल माता रानी दे नां ते ये वर्त रख लो प्लीज। मम्मा रख लो ना मेरे नाल। हाँ रमनीक पुत्र मम्मी जे तुसी मेरे नाले वर्त रखोगे ना मैनू मोरल सपोर्ट मिलेगा। प्लीज मम्मा रख लो ना प्लीज। मैं तुहाडे बिना किद्दां करांगी प्लीज। अच्छा ठीक है पर सारे नू ये दसना पेगा कि मैं माता रानी दा व्रत रख रही हां ऐवें कुते कोई लोकी गलत ना समझ लैन। थैंक यू सो मच मम्मा ते तुसी फिकर ना करो मैं सारे नू समझा दांगी ठीक है। वेटर दो लोगों की टेबल आ so much मैम ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। इट्स ओके सोहम दस ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੈਮ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ EMPLOYEES ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। हाँ मैम मैं ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि सर नू पक्का कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुसी प्लीज उन्हां नाल कोई गल करो। मैम इफ यू डोंट माइंड तुसी सर नू लेके कल साडे घरे आ सकदे हो आपां बैठ के सब क्लियर कर लांगे सब सही हो जाएगा। नहीं सोहम एक कदे भी नहीं मनणगे ऐदां नू। मैम कल ना साडे घरे तीज दा प्रोग्राम है ते तुसी ओदे लई ते आ सकदे हो ना कल आपां फंक्शन रखिया ओदे लई प्लीज ओदे लई आ जाओ एंड मेरी फैमिली नू भी बहुत चंगा लगेगा अगर तुसी आओगे प्लीज। ठीक है सोहम मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती शायद ये ना मनन पर मैं पूरी कोशिश करांगी इन्हां नू लेके आउण दी ते तेरे जॉब बारे मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती पर मैं कोशिश करांगी इन्हां नाल गल करन दी। थैंक यू सो मच मैम तुसी इन्ना क्या ओही मेरे लिए बहुत वड्डी गल है प्लीज तुसी कल टाइम ते आ जाओ एंड आई होप कि सब टाइम ना सही हो जाएगा। थैंक यू। मेरा बच्चा तो कितना सोना लग रहा है। थैंक यू मम्मी। तुसी तैयार नहीं हो अजे तक? बस मैं हुने तैयार हो जाना है, मैंने तो 2 मिनट ही लगने हैं। ठीक है मम्मा, मैं तुहाडे लई कुछ लेके आई हूं। आ की है पुत्र? मम्मा मेनू पता है कि तुसी तीज नहीं करदे, पर मेरा मन कर रहा सी कि मैं तुहाडे लई कुछ गिफ्ट लेके आवां। अज फंक्शन सी, सो मैं सोचा अज दे दिन तुहानू ये देवां। मेहंदी वाली को कितनी ज्यादा लाइन लगी हुई है। गॉड नोज व्हाई। मम्मी जी तुसी इत्थे बैठ के मेहंदी ना लगवाना, तुसी घर जाके काम भी तो करना है ना, इस करके तुसी रहन देना। हुण मेहंदी मैं लगवावांगी। प्रज्ञा आंटी जे मेहंदी लगवाण दा इन्ना चाह सी, फिर थोड़ा छेती आना सी। हुण ना थोड़ा जा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेहंदी मेरे मम्मा लगवाएंगे। अमृता तेरी डाटर इन लॉ नू ये भी नहीं पता कि विधवा जनानियां मेहंदी नहीं लगवाती। क्यों क्यों नहीं लगवा सकती? लो जी हुणे भी दसना पड़ेगा, क्योंकि ये रीत होंदी है, शगना वाली मेहंदी होंदी है ना। चल कोई गल नहीं, हाले ना तू बहुत कुछ सीखना है लाइफ दे विच। अच्छा मैं तो भूल ही गई सी, मैं तो हजे बहुत छोटी हूं, तुसी तो किन्ने वड्डे हो है ना। पर प्रज्ञा आंटी जस्ट बिकॉज कि तुसी बुजुर्ग हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुसी बुजुर्गों वाली सोच रखोगे। इतनी आउटडेटेड सोच तो मेरे बाऊजी दी भी नहीं है। रमनी क्यों? बस करो तुसी दोनों। हले रमनीक प्रज्ञा सही कह रही है, मैं मेहंदी नहीं लगवानी। पर मम्मी बस, मैं एक बारी कहता ना, तो मैं कोई बहस नहीं सुननी। अमृता सत श्री अकाल, तुसी अंदर बैठो। सोहम तुहाडे बॉस ते उन्हां दी वाइफ इत्थे की कर रहे ने? उन्हां नू किने बुलाया? मैं बुलाया, और किने बुलाना है? पर क्यों? की क्यों? पहला तो डेडलाइन देनी है, फिर मैंने पूछ रही क्यों? हद होंदी है। नवी जॉब मिल नहीं रही थे, मैं सोचा कि एटलीस्ट पुराने लिए ट्राई करा, एटलीस्ट कुछ हो जाएगा। घरे फंक्शन सी थे, मैं सोचा कि इस तो बेटर मौका नहीं होएगा बॉस से उन्होंने वाइफ नाल गल करन दा। हाँ वो सब तो ठीक है, पर जे तुसी मैंने पहला दस दिन दे, फिर मैं कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना सी। पता उन्होंने देख के ना मैं एकदम तो शौक हो गई। रमनी तू वो सब छड़ना, तू क्यों फालतू चक्कर च पई है? तू बस मेरी एक हेल्प कर, मैं ना मैम नाल गल करदा, ते तू प्लीज मौका देख के ना सर नाल गल कर। उन्होंने कह कि एटलीस्ट मैंने एक चांस दे देन। मेरी गल भावे सुनन ना सुनन, तेरी गल पक्का सुननगे, प्लीज ट्राई कर ला। पर मैं उन्होंने की कहांगी, ते नाले इतना प्रोफेशनल मैटर विच मैं गल करांगी, किदां दा लगेगा वो भी इस फंक्शन विच। तू ये सब क्यों सोच रही है? इस टाइम जॉब मिलना जरूरी है, ये सब सोचना नहीं। तू ट्राई तो कर सकती है। चलो ठीक है, जदों कल्ले होंगे मैं कोशिश करांगी उन्हां नाल गल करन दी। थैंक यू सो मच। you, sir. Oh, hi, Ramani. How are you? I'm fine, sir. I hope कि तुसी enjoy कर रहे हो. Yes, yes, yes. बहुत बढ़िया जी. और तुसी function भी बहुत बढ़िया organize कीता है. Thank you so much, sir. सानू बहुत बढ़िया लग गया कि तुसी आए थे थोड़ी wife आए. Thank you. Sir, if you don't mind, मैं तो आड़े नाले गल करनी है. Yes, yes. Tell me, Ramani. Sir, मैं पूछना सी सोहम दी job बारे. आई नो कि ये जगह सही नहीं है एक गल करन ले, पर मैं जानना चाहनी है कि एग्जैक्टली की रीजन सी कि सोहम दी जॉब गई. देखो रमनीक, मैं भी पर्सनली ये चाहता नहीं सी, लेकिन सोहम ने मेरे लिए कोई राह छड़ी नहीं सी. सोहम दी हर फाइल च कोई ना कोई इशू हुंदा सी. उहदी कोई फाइल टाइम ते पहुंचदी नहीं सी. होर ते होर उहदा कोई भी टारगेट टाइमली पूरा नहीं हुंदा सी ते मेरे हाथ बन्ने होए सी ते मैं अपने काम की रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट नूं देनी हुंदी है. बाकी गल होर दस दियां, देखो सोम मैनूं भी बहुत पसंद सी. उन्होंने इंप्रूवमेंट करने वास्ते पहला किन्नियां वार्निंग्स दित्तियां, पर उहदा काम इंप्रूव होया ही नहीं. पता नहीं सर, मैनूं इस गल्लां बारे नहीं पता सी. देखो मैं समझ सकदा सोम दी जॉब ना होण करके घर च किन्नियां दिक्कतां होंदियां ने, बट आई एम सॉरी, मैं भी इहदे च कुछ नहीं कर सकदा. आई अंडरस्टैंड सर, बट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि तुसी सोहम नो एक चांस दो. रमनीक, मैं तेनू कदा लब्बी जा रही हूं. टाइम हो गया, सारे जने अपना वर्त खोल लो. एक्सक्यूज मी. चलो मासी जी. चलो. दरवाजा तो खोल दो एक बार. मम्मा प्लीज साडी गल सुन लो एक बारी. मम्मा मम्मा एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज. मम्मा प्लीज साडी गल सुन लो. हमेशा ऐदा दियां चीजा क्यों कर दी है? इन्हां बेचारे ने तेरा की बिगाड़िया? ओ प्लीज, ज्यादा ना सैड होने दी लोड़ नहीं है. ए अमृता, ज्यादा ही उड्डी फिरदी सी ना अपनी एक्स्ट्रा स्मार्ट नूह दे सिर ते. इन्हां नूं इन्हां दी औकात दिखाना बहुत जरूरी सी. पिछले कुछ दिनां तो मेरी बड़ी बेइज्जती कर रही सी. नहीं नहीं अमृता, इस तरह नहीं कर सकती. ते रमनीक भी बड़ी सियानी कुड़ी है, तू एवें ही अपने कोलों गल्लां बनाई जांदी है. अच्छा मैं गल्लां बना रही हूं ते तुहानू उहनां च कोई बुराई नहीं दिखदी. ठीक है, जाओ ते सिंपैथी दो उहनां नू, मेरा टाइम वेस्ट ना करो. हुण इत्थे एंटरटेनमेंट खत्म हो गया. मैं चली, तुसी भी आ जाओ. सर मैनू लगदा सानू ना चलना चाहीदा है. इह इहनां दा आपसी फैमिली मैटर हैगा सर. नहीं मैडी, मैनू अमृता जी की बहुत फिक्र हो रही है. वो इन्ने गुस्से विच हो गए ने. आई होप कि वो ठीक होणगे. विक्रांत, मैनू तो इत्थे खाने का कोई प्रोग्राम नहीं लग रहा. सारे कितने स्ट्रेस्ड ने. असी किते बाहर जाके डिनर करिए? मैं ना पहली बारी व्रत रखिया तो मैनू बहुत भुख लग रही है. मैनू नहीं पता कि तेरी कोई नवी चाह, पर जो भी है मैनू इहदे विच कोई इंटरेस्ट नहीं. विक्रांत, मेरी कोई चाल नहीं है. मैं सच्ची मुच्ची वर्त रखिया. ठीक है फिर खोलो जिथे जाके खोलना अपना वर्त. मैनू तुहाडे च ते तुहाडीआं गल्लां विच कोई इंटरेस्ट नहीं. चल मैडी. तुसी बैठो मैं सर्व कर दिया। मम्मा तुसी कल सवेरे तो कुछ भी नहीं खादा, एवं तुहाडी तबीयत खराब हो जाएगी, तुसी प्लीज बैठो। अमृता पुत्र बैठ के रोटी खा। नहीं बाबूजी तुसी खाओ। ठीक है मम्मा, जे तुसी नहीं खाओगे ना फिर मैं भी नहीं खावांगी, मैं भी भूखी रवांगी। मम्मा तुसी अपनी तबीयत खराब करनी है ना, ता फिर ठीक है, तो फिर मैं भी बीमार ही रवांगी। बहुत हो गया अमृता, एथिया हाँ जी बाबूजी। जदों तक तुसी दोनों ये तमाशा बंद नहीं ना करोगे, इस घर में कोई रोटी नहीं खाएगा। मेरे बापू जी हमेशा कहने हुंदे सी कि सानू किसी भी गल का गुस्सा खाने ते नहीं करना चाहिए। भाई तुहाडे दोनों की खाने दे नाल कादी नाराजगी है, यह बहुत गलत है और इस घर दे विच बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो मेरी गल ध्यान नाल सुनो, आप इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाने हैं, कादे लई? सिर्फ दो वक्त की रोटी खाने दे लई? जे तुसी रोटी दे नाल गुस्सा करना फिर की करन दा फायदा है? कितना गलत है अमृता पुत्र, बच्चे ने जो कुछ किया मैनू भी बहुत दुख होया है। फिर आप की करिए जे बच्चे सानू अपनी मुसीबत दे विच शामिल करना ठीक नहीं समझते, फिर आप की कर सकते? अपनी सेहत नहीं खराब कर सकते ना। या फिर बाकी लोग वांगू तेनू गलत समझना सी। सोहम मैं तेनू पैदा किया, तू मेरा हिस्सा है। जे तू मैनू दसदा तां मैं तेरा साथ ही देना सी, तेरा हौसला वधाना सी, पर गलती मेरी है क्योंकि मैं चंगी मां नहीं बन सकी। मेरे बच्चों नू लगदा है कि मैं उन्हां नू मुसीबत विच इकल्ला छड़ दांगी ते उन्हां दा साथ नहीं दवांगी, ते मैं एम्बैरस फील कराना सी जो मैनू आके दस दे कि असी मुसीबत विच आ। मां प्यो दा फर्ज हुंदा है कि वो अपने बच्चों नू भरोसा दिवान कि उन्हां नू आके हर गल दस सकन। ताइयों मैं अपने बच्चों नू भरोसा ही नहीं दिवा पाई, ताइयों इतनी वड्डी गल मेरे बच्चों ने मैनू दसना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने लग्या कि मैं समझ ही नहीं पावांगी। नहीं मम्मा एहो जी कोई गल नहीं हैगी, तुसी गलत समझ रहे हो। फिर केहो जी गल है सोहम? मुसीबत विच इंसान ओदे कोल ही जांदा ना जिदे कोल ओनू सहारा मिले, जिदे कोल ओनू अपनापन मिले। तन्नू लगदा है कि मैनू कुछ नहीं आंदा। हाँ मैनू कुछ भी नहीं आंदा, सही भी है, पर मैनू यकीन नहीं हुंदा सोहम कि तू अपनी मां नू उस लायक भी नहीं समझा कि अपनी प्रॉब्लम मां नू दस सके। आज मैनू सच्ची लग रहा सोहम कि मैं लाइफ विच कुछ भी नहीं किता, ना बाहर काम किता, ना मैं अपना घर संभाल पाई। नहीं मम्मा तुसी की कह रहे हो, एहो जी कोई गल नहीं हैगी, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मेरे तो पुछ के बरत रखे सी। नहीं ना, हुण जो दिल चाहता वो करो, चाहे कुछ खाओ चाहे नहीं, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। प्लीज मैनू कल्ले छड़ दो, जाओ इत्थों। विकी प्लीज प्लीज लीव। मैम की होया, तुसी आज इन्ना सैड क्यों हो? मैडी असीं इन्ने टाइम तो कोशिश कर रहे हैं कि अमृता नू विक्रांत तो दूर रख सकी, पर होया कि कुछ भी नहीं। मैम तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, हौली हौली सब ठीक हो जाएगा। मैं देखिया उस अमृता नू विक्रांत जीजू दे विच कोई इंटरेस्ट नहीं, पर विकी ते इंटरेस्टेड है ना ओदे विच। ते मैनू एक गल बड़ी चंगी तरह समझ आ गई अज, मैं जिन्ना भी ट्राई कर ला अमृता नू विक्रांत दी लाइफ तो बाहर भी कढदा, फिर भी ओह हमेशा विक्रांत दे दिल विच रहेगी। विक्रांत अमृता तो दूर रह के भी खुद ही कितनी फिक्र करते ने। मैनू जिस गल का डर सी उही होया, विक्रांत अमृता नाल बहुत इमोशनली अटैच ने। मैनू लगता नहीं कि असी कुछ कर भी सकते हैं। नहीं मैम वो गल नहीं है, बस तुहाडा तरीका गलत है। मतलब मतलब ए है कि तुसी विक्रांत जीजू नाल प्यार दियां गल्लां ना करो, क्योंकि विक्रांत जीजू बहुत हर्ट ने। इदा विक्रांत जीजू तुहाडा प्यार कदे एक्सेप्ट नहीं करनगे। मैडी की बकवास कर रहे हैं? सॉरी मैम मेरा ओ मतलब नहीं सी, मैं कह रहा सी करनगे, पर तुहानू ये रास्ते नू छड़ना पाऊगा। तुहानू ये प्यार दे रास्ते नू छड़ के स्टार्टिंग तो दोस्ती तो शुरुआत करनी पाऊगी, ते उस तो बाद विक्रांत जीजू नू ये यकीन दिलाना पाऊगा कि तुहानू उन्हां दा कोई मतलब नहीं, तुसी बस उन्हां दी केयर करदे हो ते उन्हां दे दोस्त बनना चाहते। फिर उस तो बाद हौली हौली तुसी उन्हां दा भरोसा जित के उन्हां दे नेड़े जान दी कोशिश करे। वाह मैडी मैं तो तेनू बड़ा अंडर एस्टिमेट करती सी, तू ते बड़ा स्मार्ट निकलिया। अच्छा फिर हुण एक काम कर, फ्रेंडशिप डे ते एक चंगा जा ब्रेसलेट लैके आ विक्रांत दे लई। मैं उन्हूं सैट ते सारिआं दे सामने दवांगी ते ओह मना भी नहीं कर सकेगा। यस मैम। परमनीक तू मेरी इकलौती दोस्त है, तेनू मैं अपनी हर छोटी बड़ी गल शेयर कर दी है। सोहम मेरा मुंडा है, ओनू रब ने मेरी झोली च पाया। परमनीक असी फैमिलीज नू नहीं चुनते पर दोस्त खुद चुनते हैं। भावे सोहम तेन इस घर च व्याह के लेके आया, पर तेनू दोस्त मैं चुनिया। मैं दुनिया दे विच सब तो ज्यादा भरोसा तेरे ते करदी है, सोहम ते नहीं। तू मैनू दसदी पुत्र, तू सारा कुछ कल्ले ही हैंडल किया? चुप कर। सॉरी। तुसी काहदे लई सॉरी बोल रहे हो मम्मा? तेनू रुवान लई। मम्मा मैं तो भुल ही गई सी। मैं एक मिनट दो मिनट। आ देखो तुहाडे लई। वाह पुत्तर, तू मेरे वास्ते फ्रेंडशिप बैंड लेके आई है। हुणे तां तुसी कहा सी कि मैं तुहाडी फ्रेंड हां। तू एक मिनट रुक, मैं हुणे आई। आ देख तेरे लिए। मम्मा तुहानू याद सी कि आज फ्रेंडशिप डे है? हाँ बिल्कुल। ए तुसी कितों खरीदिया? पुत्र ये मैं खरीदिया नहीं है, ये मैं खुद बनाया। तेनू मैं दस्या सी ना कि असी बचपन च हाथ ना बनांदे हुंदे सीगे। सो स्वीट ऑफ यू मम्मा, थैंक यू। मम्मा यो जे एक होर तुसी अपने दूजे फ्रेंड वास्ते नहीं बनाया? तू किदी गल कर रही है रमनीक? विक्रांत जी। होर कौन? विक्रांत जी? नहीं नहीं रमनीक, मैं उन्हां नू किद्दां दे सकदी हां, चंगा नहीं लगदा पुत्तर। मम्मा उन्होंने हमेशा तुहाडा साथ दिता है, उन्होंने बहुत वधिया लगेगा सच्ची। विक्रांत जी तुसी ये ब्रेसलेट निकिता जी नू दे दो। मैं समझदी हां पर हर रिश्ते विच उपर नीचे हुंदा रहिंदा है, तुसी उन्नू भुल जाओ ते आज अपने रिश्ते दी एक नवी शुरुआत करो। अमृता जी मैं निकिता जी नाल कोई नवी शुरुआत नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं। जे मैं किसी नाल नवी शुरुआत करनी होगी तो मैं तुहाडे नाल करां। जे मैं किसी नाल दोस्ती करनी होगी तो भी तुहाडे नाल करां, ते जे मैं किसी नाल रिश्ता जोड़ना होएगा तो मैं वो भी तुहाडे वर्गा कोई लभां। निकिता वर्गा अमृता जी विक्रांत इतना कितना कह सकता है? इज ही मैड? अमृता जी मेरी गलता सुनो प्लीज। की सुना की? मैं थोड़े ते किन्ना भरोसा करती सी, थोड़े किन्नी इज्जत करती सी, ते तुसी की सोच रहे सी मेरे बारे? मैं पहली बारी जिंदगी विच एक आदमी नू दोस्त दा दर्जा दिता सी, ये सोच के कि तुसी साडी दोस्ती नू गलत नहीं समझोगे, पर मैनू आज पता लग गया कि तुसी कुछ होर ही समझ बैठे। तुसी गलत समझ रहे हो विक्रांत जी। मैं तुहाडे ते भरोसा करके कुकिंग कंपटीशन विच आई, तुहाडे कोल रेस्टोरेंट विच आई, आ शो ज्वाइन किया, बाऊजी ते सोहम नू मनाया। मैनू डर लग रहा सी कि मैं ये सब किद्दा करांगी, पर फिर मैं सोचा विक्रांत जी है कि वो सब संभाल लेंगे।